ओके अच्छा चैप्टर नेम लिखो, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी, इट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एज अ नेम सजेस्ट, चैप्टर करना क्या है, विल डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी बैक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। अगर कोई वर्ड ना पता चले तो पूछ लेना, यू नो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स दोज रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन, ठीक है, या फिर ऐसे होएगा वंस इनिशिएटेड अपने आप होती रहे, एक बार स्टार्ट कर दो, जस्ट एज गैस स्टोव ऑन करते हो, ठीक है, एक ही बार लाइटर ऑन लगाते हो या माचिस, ऐसे तो नहीं है लाइटर लेके खड़े रहने हैं। दैट रिएक्शन, दैट कंबशन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, और आगे चलेगा एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर क्या सकता है सेकेंड टाइप ऑफ स्टडी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके उसे किसमें कन्वर्ट करना है, इनटू केमिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस। मीन्स वी विल यूज केमिकल एनर्जी टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस। नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस लाइक, अगर स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस ही बोलूँ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, एक एग्जाम्पल देखो स्पॉन्टेनियस की, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को मीथेन गैस है, ठीक है, इट रिएक्ट्स विद ओ टू फॉर्म्स सी ओ टू एंड वाटर, कंबशन ऑफ मीथेन, ये क्या है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, अपने आप होएगी, एक बार स्टार्ट कर दो अपने आप चलती रहेगी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मींस अगर वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना है, फॉर दिस H2 प्लस O2 के रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, ग्लास में पानी है उसे बोल दो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, या थोड़ा माचिस लगा दो भी हाइड्रोजन अलग हो जाए ऑक्सीजन अलग हो जाए, हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यह नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, मीन्स फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, फर्स्ट रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड है, ऐसा ही है ना, सेकेंड में एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसमें प्रोड्यूस हो रही है, दैट रिएक्शन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस, अनदर वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, हमने दोनों पढ़ी है। सपोज एनर्जी पहले तो देखो किस फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की। फर्स्ट फॉर्म अगर रिएक्शन हो, जैसे कंबशन ऑफ मीथेन से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे फ्यूल सेल करवाया था तो ये वहाँ पे हाइड्रोजन लिया था ना, शायद वो जल्दी जल्दी में टॉपिक वो रह गया होगा, अदर देन हाइड्रोजन अगर तूने एनसीईआरटी रीड करा है, और हाइड्रोजन के अलावा मीथेन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल। इस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सेकेंड में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस नॉन स्पॉन्टे टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस, ठीक है, इनको स्टडी करना है पूरे चैप्टर में, ठीक है, कोई
इनमें से रिएक्शन में, नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में, अपने सराउंडिंग में कोई हो रही हो रिएक्शन, कोई देखा हो, कोई सेल देखा हो या कोई आइडिया हो, है कोई? डेली यूज करते हो वॉल क्लॉक में जो सेल है, दैट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या हो रहा होगा उसमें? केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपके मोबाइल में बैटरी है वो भी क्या है, जब अभी चार्जिंग में नहीं है लेकिन मोबाइल यूज़ हो रहा है तो क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी जो बैटरी में स्टोर है दैट इज़ बीइंग चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और जब चार्जिंग पे लगाओगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी किसमें चेंज हो जाएगी, इनटू केमिकल एनर्जी, उसमें स्टोर हो जाएगी एनर्जी, ठीक है। ये नॉर्मल है, यही दो चेंजेस स्टडी करने हैं पूरे चैप्टर में, ठीक है। आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। सॉलिड स्टेट में जो चैप्टर अभी तो चलो सीबीएसई सिलेबस से कट है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स करे थे बच्चे। तीन टाइप के सॉलिड्स होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। आप सेमीकंडक्टर्स अब डिटेल में आप रीड करोगे फिजिक्स में, आई थिंक पूरा चैप्टर या पूरा यूनिट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऐसा कुछ। कंडक्टर्स यहां पे रीड करने हैं, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब हेडिंग पाओ टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। और उनकी कंडक्टिंग पावर, कंडक्टिंग टेंडेंसी को बोल देते हैं कंडक्टेंस। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, जो कंडक्टेंस है वो दो टाइप की होती है, ठीक है, या ऐसे बोलो कंडक्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मेटेलिक कंडक्टर्स, सेकेंड आर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है, मेटेलिक और सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइट। डेट है बच्चे 24th। फर्स्ट हेडिंग बना लो मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। हाँ जी, मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। फर्स्ट लिखो मेटेलिक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स, जो मेटल्स या फिर अलॉयज के थ्रू कंडक्टेंस होगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ठीक है। मेटल्स ऑब्लिक अलॉयज बने, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। सो चार्ज कैरियर क्या हो गए, किसके थ्रू पास हो रहे हैं? द इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी?
फर्स्ट फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड इज द नेचर और द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल. अब नेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आई थिंक. विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गोल्ड सिल्वर इन्हीं को बोलते हैं ना, है ना? हाँ यही है ना, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और कुछ मेटल्स हैं, जब मैंने बेस्ट या कंडक्टर्स बोला है ज़्यादातर बच्चों ने सिल्वर या गोल्ड ही, यही है ना आंसर. ठीक है, आयरन तो नहीं है, ठीक है, लेड तो नहीं है, कॉपर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना. सो वो किस पे डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ मेटल पे. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन नेचर. द नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस पे कैसे डिपेंड करेगी शिवाली, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेगी थोड़ा. हाउ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन. ज्यादा कंडक्ट करेगी, ठीक है, मीन जितने ज्यादा वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होनी चाहिए, नॉर्मली ये रूल है. नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर थर्ड फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स इज टेम्परेचर. ठीक है, अब टेम्परेचर पे पहले एक बार देख लो टॉपिक, बाद में एक्सप्लेन कराऊंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. सपोज दिस इज आर मेटेलिक कंडक्टर, मेटल पीस है, ठीक है, इसमें एटम्स हैं. इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, नेगेटिव ये है पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कंडक्टर है ये, मेटल पीस है, इलेक्ट्रॉन्स पास हुएंगे, कहां से कहां जाएंगे मेटल इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड की तरफ. ठीक है, सो सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन है एक, ठीक है, उसने मूव करना स्टार्ट करा यहाँ पे, ठीक है, इससे कोलिजन होगी, पाथ थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर ऐसे 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 जिगजैग पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया, ऐसे ही होता है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये है एट टेम्परेचर टी. अगर आप टेम्परेचर रेज कर दोगे, ठीक है, जो एटम्स हैं मेटल के पार्टिकल्स हैं उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा था फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इजिली मूव होगा अब, या उसे रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी कुछ? पहले फर्स्ट पॉइंट ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ क्या होगी, जो एटम्स हैं जो मेटल जिस चीज का बना हुआ है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस इंक्रीज हो गई. अब अगर वाइब्रेशंस इंक्रीज हो गई, एक इलेक्ट्रॉन ने पास करना है वहां से, ठीक है, अब वो इजिली पास होगा या डिफिकल्टी से पास होगा? पहले से ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है, तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा.
रिमेंबर द टर्म रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को बोलते थे। अब जितनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस होंगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी कम। सो क्या हो गया, कंडक्टेंस कैसे डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इसे लिखो प्लीज, कंडक्टेंस किसकी, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, किसकी कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स की, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ जी हाँ, पानी नहीं यार, मैंने लगता ठंडा नहीं होना, सवेर का होना एक बार पाना। हाँ ये है, नहीं ये फैक्टर नहीं है, ये जस्ट एक नेक्स्ट पॉइंट है, फैक्टर नहीं है, थ्री दे फैक्टर नेक्स्ट है, इसे लिखना बाद में, पहले समझ लो। सपोज यही मेटल पीस है, इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड, गोल्ड का गोल्ड मेटल है, ठीक है, इसमें से करंट पास करा, ठीक है, बाद में स्विच ऑफ कर दी, अब क्या रहेगा वो आफ्टर करंट अगर पास करोगे, गोल्ड ही रहेगा या सिल्वर बन जाएगा, प्लेटिनम नहीं, कॉपर, कलर भी सेम होता है, पक्का आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी अगर पास भी कर दोगे गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, या दूसरा ऑपोजिट तो नहीं है, अभी सस्ती चीज़ नहीं बननी। सपोज ये मेटल पीस कॉपर का है, उसमें से करंट पास करा, कोई चांस है वो सिल्वर बन जाए या गोल्ड बन जाए, नॉट पॉसिबल। सो यही पॉइंट है, इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, देखो यही लिखा हुआ है दैट जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर रिमेन सेम, ठीक है, बाय द पैसेज ऑफ चार्ज। अगर आप गोल्ड यूज करोगे तो वो गोल्ड ही रहेगा, बाद में भी चेंज नहीं होगा, कॉपर यूज करोगे तो कॉपर रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ अपनी डेली लाइफ में, कौन सी वायर यूज करते हैं घर में, जैसे ये फैन को कनेक्ट कर रही होगी स्विच से, एसी को कर रही होंगी, ये कौन सी वायर्स हैं अंदर, कॉपर वायर है ना, जो बाहर हैं गलियों में देखते हैं वो किसकी होती है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की, सिल्वर रंग की नहीं होती, बाहर देखना जब भी निकल के बाहर देखना एल्यूमिनियम की। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, वहां पे एल्यूमिनियम की क्यों है, घरों में कॉपर क्यों है, है जी, ब्लैक हो जाती है पानी पुनी लग के, वैसे तो सिल्वर कलर की है, ठीक है, ज्यादा ब्लैक नहीं होगी, ब्लैक तो ऊपर रबर है वो देख रहे हैं नॉर्मल। हाँ जी हाँ, एक मिनट पहले क्वेश्चन पे आओ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अंदर हैं जो वायर्स, ठीक है, हाउस होल्ड में है, वो यूजुअली एल्यूमिनियम की नहीं होती, वो कॉपर की होती हैं, लेकिन जो ट्रांसमिशन वायर्स हैं वो एल्यूमिनियम की होती हैं, कॉपर की नहीं होती, इसका कोई रीजन है, इसका रीजन है कॉस्ट, होनी बाहर भी कॉपर ही चाहिए थी, बट प्रॉब्लम इज कॉपर कॉस्टली है, मेनी टाइम कॉस्टली है, ठीक है, एक्चुअली तो होनी किसकी चाहिए थी वायर्स, सिल्वर की या गोल्ड की, बट ऑब्वियसली फैक्टर इज कॉस्ट, ठीक है। और वैसे भी चलो आपको बता देता हूँ, जैसे आपके घर पे जो भी कंप्यूटर्स होंगे कॉन्फ़िगरेशंस आपको आइडिया होगा, हाई एंड मतलब हाई एंड से भी बहुत हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाओ, टर्म्स है दो सुपर कंप्यूटर, ठीक है, या बहुत बहुत अच्छे कंप्यूटर्स, उनमें जो अंदर चिप्स है ना वो किस में, जो मेटल यूज करते हैं वो होती है गोल्ड, और सिल्वर नॉर्मल कंप्यूटर्स में भी है, गोल्ड प्लेटेड भी होते हैं, रीजन वही है, बेटर कंडक्टेंस, ज्यादा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है, गोल्ड है यार वो, चलो गली है, ठीक है, इस पे गूगल से नहीं, उसे फोन साइड रख के फिर मैं बाहर खा लूंगा, अच्छा चल सिल्वर की रख ले यार, ठीक है, बट सर्च करना इसमें ना जाके, मैं कंप्यूटर्स में, ठीक है, भी किस चीज की होते हैं, ठीक है, टर्म मैंने बता दिया, सुपर कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग ज्यादा, ये ठीक है,
चलो, कहने का मतलब है चाहे वो सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, या एलुमिनियम है, जो भी होगा जब करंट पास कर देंगे तो क्या रहेगा वो बाद में भी सेम अनचेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो अपने चैप्टर पे है, जल्दी लिख यार। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज आयोनिक कंडक्टेंस। आयोनिक कंडक्टेंस दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। यहां पे इन्वॉल्व क्या है? आयंस इन्वॉल्व है। चल कोई नहीं, वो खोल ले। खुलेगी नहीं, पूरा बेंचेस हिलाने में हैं। दरवाजा है खोला, वो करना पैना, पूरा हिलाना पैना है, सारा कुछ हिला के वो करना पैना, रहन दे, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस। अच्छा नेक्स्ट देखो, द कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, नाउ मैं फैक्टर्स लिखो। फर्स्ट इज बेसिकली नेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डिपेंडिंग अपॉन कंडक्टिविटी, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सेकेंड फैक्टर इज साइज एंड सॉल्वेशन ऑफ आयंस फॉर्म्ड इन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस इज द साइज एंड सॉल्वेशन ऑफ द आयंस फॉर्म्ड इन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब साइज पे देखो, सॉल्वेशन टर्म बाद में समझाता हूं, पहले साइज पे देखो। एक आयन है इस साइज का, ठीक है, एक आयन है इस साइज का, दो मान लो, दिस इज ए पॉजिटिव, दिस वन इज एक्स पॉजिटिव, विच आयन विल मूव स्विफ्टली, ईजिली कौन मूव करेगा? जो छोटा है। ठीक है, सो एक्चुअली कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सिमिलरली सॉल्वेशन क्या है? सॉल्वेशन मीन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट सराउंड्स अ पर्टिकुलर आयन। जैसे ए पॉजिटिव है, इसको वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेट करेंगे, मतलब सराउंड करेंगे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव बहुत सारे लग जाएंगे इसके आगे, वाटर बजेंगे ना अटैच यहाँ पे। मीन्स इसका अफेक्टिव साइज एक्चुअली इंक्रीज हो जाता है, और जितनी ज़्यादा सॉल्वेशन होती है, अगर कोई सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा सॉल्वेशन कर दे तो भी क्या हो जाएगी? कंडक्टेंस कम हो जाती है। उस पर फैक्टर पर नहीं रहते हम, सिर्फ साइज पर रखना। ठीक है, मैं इस
इस पे ऐसा लिख रहा हूँ, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव साइज ऑफ आयन इन सॉल्यूशन. ठीक है, जितना साइज बड़ा हो जाएगा कंडक्टेंस कीप ऑन डिक्रीजिंग. नेक्स्ट फैक्टर लिखो, लिख ले बेटा, द नेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट. सभी करते हैं डिस्कस नेचर पे कैसे डिपेंड, नेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट. हाँ जी, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड के केस में डेंसिटी नहीं बोलते जनरली, हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, टेंडेंसी टू फ्लो. नेक्स्ट इज कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ऑब्वियसली इस पे भी डिपेंड करेगा कि कंसेंट्रेशन मींस कितने आयंस हैं. ठीक है, उस पर्टिकुलर गिवन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट में कितने आयंस हैं. अगर आयंस ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर. पॉइंट यहाँ पे एक्चुअली लास्ट वाला ही मेन जो पॉइंट है वो यहीं पे फोकस करना है, नेचर टेम्परेचर. ठीक है, एंड ऑब्वियसली हाँ, ये दिस कंसेंट्रेशन मेन जो कैरी करेंगे. नेक्स्ट टेम्परेचर पे, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों हुई, इसका रीज़न है, इसकी कंडक्टेंस होती है, ये कोई सॉलिड है ए बी, व्हेन इट इज़ डिजॉल्व्ड इन सम पर्टिकुलर सॉल्वेंट लेट वाटर. ठीक है, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ए पॉजिटिव इंटू बी नेगेटिव, ऐसे ही होगा. ठीक है, कंडक्टेंस करनी है ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव में, लेकिन जितना ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे, इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, इसकी डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, फैसिलिटेट, ईजी हो जाएगी. सो मोर आयन्स विल बी फॉर्म्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर. सो जितना ज़्यादा टेम्परेचर करोगे क्या होगा, मोर डिसोसिएशन, मोर डिसोसिएशन मीन्स मोर आयन्स, मोर आयन्स मीन्स मोर कंडक्टेंस. ठीक है, सो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. क्या होया, वो रखे हुए हैं, निकल के भी आ जाने के लिए तुम. नहीं, ठीक है, तो शायद टेम्परेचर वाला लिख ले पॉइंट, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो. नहीं, बीच वाला होमवर्क. ठीक है, लिखो क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. डिफरेंशिएट बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. डिफरेंशिएट बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. ठीक है, और इसे पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना, पॉइंट वाइज लिखना है, सेंटर में लाइन लगा के. ठीक है, हाँ, टेबुलर फॉर्म में. नेक्स्ट देखो, अच्छा जो पहले तो नॉर्मल जो अपना मेटेलिक कंडक्टर है, जैसे एक, फिर दोबारा ये मेटल पीस ले लो, गोल्ड का मेटल पीस है. ठीक है,
इसकी हमने अगर रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो, कंडक्टेंस फाइंड करनी हो, या कोई भी और प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी बहुत इजी है. पर्टिकुलर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दो, ऐसा ही था ना कुछ. अक्रॉस इट क्या लगा देते थे, वोल्ट मीटर लगा दो, है ना. यहाँ पे क्या लगेगा, एमीटर. अब वैल्यूज फाइंड कर लोगे ना, क्योंकि ये सॉलिड है. सपोज जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, इसकी अगर रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस फाइंड करनी है, जस्ट आपने यहाँ पे अक्रॉस इट्स एंड्स वायर्स अटैच करनी है, करंट पास करना है, वैल्यू आपको मीटर पे मिल जाएगी. ऐसा ही होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा या करंट आ जाएगा या रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो भी वैल्यूज हैं ईजी हैं, फाइंड हो जाएंगी. ये नॉर्मल चीज़ है. अब है इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट की ये तो है मेटल के केस में, इसकी कंडक्टेंस फाइंड करना, रेजिस्टेंस फाइंड करना, जो इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं बहुत ईजी हैं. डायमेंशंस फिक्स्ड हैं, इसकी डायमेंशन नॉर्मल है. इसकी लेंथ क्या होती है, एल, ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते थे, दैट इज ए, कैलकुलेट कर लोगे. लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड है, ठीक है. ये होता है लिक्विड. अब आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज मेरे पास है 0.1 मोलर 250 ml KCl सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है. टीचर ने पूछा इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करो या इसकी कंडक्टेंस फाइंड करो. अब कैसे फाइंड करूँगा, मेरे पास वोल्ट मीटर भी है, एम मीटर भी है, बैटरी भी दे दी उन्होंने, पर मैं फाइंड कैसे करूँगा इस KCl सॉल्यूशन को, क्या करूँगा, टेबल पे स्पिल कर दूंगा और फिर यहाँ पे फिर वायर्स लगा दूंगा, ऐसे. समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है, भी वो लिक्विड है, उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे. हाँ जी, सबसे पहले यही है, उसके लिए एक स्पेसिफिक कंटेनर चाहिए, ठीक है. कंटेनर, लिक्विड को आप किसी चीज में रखोगे, उस कंटेनर को बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल. पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है, भी प्रॉब्लम क्या है, लिक्विड की. आप नॉर्मली एक लिक्विड को किसी रैंडम कंटेनर में वायर्स लगा के थोड़ी करोगे, वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है. सबसे पहले हमें चाहिए एक कंटेनर. वही टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशंस. पहले तो प्रॉब्लम है इसमें, हेयर आर टू प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम नंबर वन, डायरेक्ट करंट. आप इसकी रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए यू कैन नॉट यूज डायरेक्ट करंट. आपको पता है दो टाइप के करंट होते हैं, एसी एंड डीसी, अल्टरनेट एंड डायरेक्ट करंट. अल्टरनेट करंट क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, सही है ना, है ना. फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे अपने जो इंडिया में जो सप्लाई होती है एसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज 50 हर्ट्ज, 50 सेकंड इनवर्स, ठीक है. अगर ये डीसी यूज करोगे तो क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगी, ठीक है, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की, ठीक है. सेकेंड है, सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू मेजरिंग ब्रिज लाइक मेटेलिक वायर. अब मेटेलिक वायर के साथ तो अटैच कर नहीं सकते, अगेन वही प्रॉब्लम है बीइंग लिक्विड. सो इन दो प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करें, दोनों का सोल्यूशन सोचो. एक का तो मैंने बता ही दिया, सेकेंड वाले का. फर्स्ट का क्या सोल्यूशन है, इंस्टेड ऑफ डी सी क्या यूज करोगे, ए सी. ए सी से जो डेपोजिशन है, मीन्स जो रिडॉक्स रिएक्शन होनी थी कैथोड एनोड वाली, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, ठीक है. सेकेंड है, सेकेंड प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग स्पेशली डिजाइंड कंटेनर, स्पेशली डिजाइंड वेसल, एंड दिस वेसल इज नोन एज कंडक्टिविटी सेल. और नेक्स्ट हेडिंग भी यही है, कंडक्टिविटी सेल. पहले इसे लिख लो, ये इंफॉर्मेटिव है ऑब्वियसली, ठीक है. ये कोई पेपर के रिलेटेड नहीं है, भी इसमें से कोई क्वेश्चन पेपर पे आए, लेकिन कंडक्टिविटी सेल करने से पहले आइडिया तो होना चाहिए भी क्यों यूज कर रहे हैं कंडक्टिविटी सेल. वाले थोड़ा सा लगा रहे हैं, मैं ना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ.
सुनिए ना, आज्ञा याद, अच्छा जो घर पे सप्लाई आती है वो एसी होते हैं या डीसी होती है? एसी पक्का? जो कार बैटरी सप्लाई करता है या वो, दैट इज डीसी। ठीक है, जो घर में बैटरी यूज़ करते हैं इन्वर्टर की बैटरी, उससे कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है? डीसी। इसीलिए वो डिवाइस ही यूज़ करते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं ना जैसे, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है सो दैट अपने फैन लाइटें चल पड़े। बिकॉज अपने जो हाउस होल्ड डिवाइसेज हैं वो वर्क करते हैं एसी पे। ठीक है, आपका मोबाइल किस पे वर्क करता है फिर? मोबाइल आपका एसी पे नहीं वर्क करता। अगर एसी पे करेगा फिर तो वो, मैं कहा नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं होगी, वो तो एनर्जी स्टोर ही नहीं करेगा। ठीक है, मोबाइल वर्क करता है डीसी पे। ठीक है, इसीलिए वो आगे क्या लगाते हैं? अडेप्टर लगाते हैं ना, अडेप्टर। ठीक है, लेकिन वही अगर आप कार में यूज करो, कार में चार्ज करो अपने मोबाइल को, तो अडेप्टर की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती, डायरेक्ट लगा देते हो ना। सो मोबाइल वर्क करता है डीसी पे। ठीक है, जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला चक्कर है ना, वो एसी के साथ नहीं पॉसिबल है, वो डीसी के साथ ही है। कभी इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगा है? कौन सा, एसी डीसी? एसी। ये आप पढ़ोगे फिजिक्स में, आई थिंक सेकंड यूनिट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, विच इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी? चलो देखते। और ये भी क्या होगा शायद घर वालों ने या किसी ने या कहीं से सुना होगा, इलेक्ट्रिसिटी अपनी तरफ खींच लेती है, चिपक जाते हो। चिपका नहीं, पच गया तो। यहाँ टीवी में मूवीज में देखा होगा, वहां पे चिपक नहीं जाते लोग। हवा भी उड़ जाने, एनर्जी इतनी होती है, उड़ भी जाने हवा से। ठीक है, फिर तो सेब सी स्किन बन तो नहीं हुआ थी, थोड़ा ज्यादा लग गया थोड़ा सा। लगा नहीं कभी? फिर हाथ गीले से करंट का क्या मतलब? ग्लव पाके रख लेगा तू। ठीक है, देते हो लिख, नोटेड। थोड़ा बच्चे फास्ट फास्ट लिख, तो पहले लिख लिया अगर।
4 बजे? चैप्टर तो स्टार्ट ही नहीं करा, चैप्टर तो इंट्रोडक्टरी टर्म्स बता रहा हूँ, ये तो नॉर्मल है। नेक्स्ट क्लास तो चैप्टर स्टार्ट, नेक्स्ट लिखो। 9 मार्क्स हैं चैप्टर में। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टिविटी सेल, मीन्स जो कंडक्टिविटी सेल ही कर रहा है वो है क्या? डायग्राम ना बनाना, डायग्राम मैं बनवाऊंगा तो क्या, वो नहीं बनाना। कंडक्टिविटी सेल देख लो क्या है। कंडक्टिविटी सेल एक कंटेनर है, इसमें दोनों साइड हैं इलेक्ट्रोड्स लगे हुए, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। आगे इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है। इस वेसल में, इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऐड करते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी सेल की डायमेंशंस हैं ये कुछ। इसकी लेंथ है, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स मेजर करते हैं, दैट इज एल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। हाँ जी, ठीक है, जिसकी कंडक्टेंस रेजिस्टेंस है जो भी और वैल्यूज हैं कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो यही पॉइंट्स साइड लिखाऊंगा। सेल कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, प्लैटिनम कोटेड इलेक्ट्रोड्स हैं ये। अब जैसे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लिखे हुए हैं, एक्चुअली दीज आर प्लैटिनम कोटेड, ठीक है, प्योर प्लैटिनम नहीं होगा। इलेक्ट्रोड सिमिलरली दूसरी साइड भी वही है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। These electrodes have area of cross section equal to A, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, नीचे, and separated by distance L. Cell constant, इसको बोलते हैं बच्चे cell constant है। Ratio of length to एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज नोन एज सेल कॉन्स्टेंट। डेफिनेशन लिख दूं, अगर पूछ ले कोई व्हाट इज सेल कॉन्स्टेंट, द रेशियो ऑफ लेंथ टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टिविटी एरिया, कैसे, दीज इलेक्ट्रोड्स हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। हाँ जी, द रेशियो ऑफ लेंथ टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज नोन एज इट्स सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है। हर कंडक्टिविटी सेल के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होगी। फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल ये वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट। इसकी यूनिट्स क्या होंगी कंडक्टिविटी, इसकी रेशो की, एसआई यूनिट्स होंगी, मीटर इनवर्स, लेंथ बाय एरिया, ठीक है। और कॉमनली यूज्ड यूनिट्स होंगी सेंटीमीटर इनवर्स। क्या चीज, एग्जैक्ट टर्म है, हाँ जी,
एल बाय ए, एल बाय ए। इस टर्म को मैं एक्चुअली क्या बोलूँ, ये उस ये मैं एलोट्रॉप, एक सेकेंड एग्जैक्ट वर्ड ही देता हूँ। बेसिकली पाउडर्ड प्लैटिनम को बोल रहे हैं, ठीक है। इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज बहुत होते हैं। नॉर्मल किसी भी मेटल को या किसी चीज़ को ऊपर प्लैटिनम की एक कवरेज दी हुई है, समझ रहे हो ना, कोटिंग का मतलब। आपको जैसे आप प्रैक्टिकल्स भी लैब में करोगे, आपको जो आप प्रैक्टिकल फाइल्स लिखी होगी या भी प्रैक्टिकल्स करोगे, वहाँ पे ना प्लैटिनम वायर टेस्ट होता है। मतलब एक वायर पे वायर आपको प्रोवाइड करेंगे या आपको बोलेंगे परचेज करके लेके आओ। अब वायर तो ऑब्वियसली प्लैटिनम की नहीं होगी, वो क्या होगी, प्लैटिनम कोटेड होगी। सही कुछ यहाँ पे। हाँ जी, अगर प्योर प्लैटिनम होए फिर तो बहुत कॉस्टली होएगी। इक्वलेंट टू गोल्ड है रेट इसका प्लेटिनम का, कोटेड ही होगी ना। हाँ हाँ नहीं, इतनी कॉस्टली नहीं होनी चाहिए थी, 40-50 रुपये दी होगी, 100 दी पैकेज है ना। ठीक है, डन, जल्दी जल्दी देते फटाफट, मैं वेट। ठीक है, अच्छा पहले यूनिट्स देखो, सेल कांस्टेंट की यूनिट्स ओके हैं, वाइट है, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। लेंथ क्या है, मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट आ जाएंगी इसकी, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, तीन चार डेफिनेशंस लिखनी है। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस, अगर आपको बेटर डेफिनेशन आती है तो लिख लेना अपने तरफ से। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्ट है ना। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यही है। ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए। ओके, रेजिस्टेंस का सिंबल कैपिटल आर, इसके यूनिट्स, हाँ जी, इसके यूनिट्स होते हैं ओम, सिंबल ओम का, ठीक है, ओम और साइमन, इनवर्स सिंबल है इसका कैपिटल एस, ठीक है, SIEMEN, ठीक है। और रेजिस्टेंस होता क्या है, जो लिखा हुआ है इन्होंने, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। दोनों को कंबाइन करो, क्या बन जाएगा बच्चे, मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो किसी भी सेल कॉन्स्टेंट का जिसका एल बाय ए ज़्यादा होगा, उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, दैट इज सेल कॉन्स्टेंट। सेल कॉन्स्टेंट, ये टर्म ऑब्वियसली आपने 10th में पढ़ी हुई है, रेजिस्टेंस। इसके बाद रेजिस्टिविटी पढ़ी हुई है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सिंबल इज रो, ठीक है, रो, RHO, रो, ठीक है। उसी फॉर्मूले को नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं,
आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रो एल बाय ए, और रो क्या आ गया बच्चे, रो इज इक्वल टू देखो आर इंटू ए बाय एल, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए बाय एल। अब रो का मीनिंग समझो, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक क्या हुआ, अच्छा जो साइड वाला लिखा है इससे नीचे लिख लो ना, पहले डेफिनेशन लिख लो, रेजिस्टिविटी मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पे लिखना है, वहां पे लिख लेना है, यहां पे उसे अलग लिखना है, इसे अलग लिखना है, ऐसे लिख लेना, ठीक है। अच्छा डेफिनेशन का मीनिंग देखो, रेजिस्टिविटी क्या है पहले एक बार देख लो। कंटेनर है, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इस बच्चे पूरे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस कितनी होगी, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिस पूरे की सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या चीज है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अब ध्यान से देखना, इसमें से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम कंसिडर कर लो, ये 3 डायमेंशनल है, 1 क्यूबिक, इस वॉल्यूम में ये मैं वॉल्यूम ले रहा हूं, वॉल्यूम इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मटेरियल की रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज कंडक्टिविटी। एक बार डेफिनेशन रीड करके देखो, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, या सॉरी कंडक्टेंस तो बाद में करना है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर एंड हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मींस इस वॉल्यूम में जितने आयंस होंगे, इसमें दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब में, उन सब आयंस की रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, 1 क्यूबिक। इसके यूनिट्स देखो ड्राइव करके, यूनिट्स क्या होंगे, रो के, रो रो के क्या यूनिट्स हो जाएंगे, आर इज ओम, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, मींस यूनिट्स क्या हो गए, इसके यूनिट्स यहां पे हाईलाइट करके लिख लेना, ओम मीटर, ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होंगे, ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर, आप नीचे लिख लेना जहां पे स्पेस हो, ओम सेंटीमीटर, कॉमनली वी विल यूज ओम सेंटीमीटर, एसआई यूनिट्स हैं ओम मीटर। इसकी जो बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी हुई है वो नहीं, वो तो चलो ठीक है लर्न कर लोगे, एक्चुअली जो ड्रॉ करा है उस साइड से समझ आया ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या, इट इज द रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम। अगर आयन ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी रेजिस्टेंस, कम होएंगे कम हो जाएगी, इसे याद रखना है। अगर उस छोटे बॉक्स को मैं वो लिखना है, लेबल करना है, उसे भी कर सकते हो, उसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ताकि वॉल्यूम होगी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ तक आपने ये दो टर्म्स 10th में पढ़ी हुई हैं, पढ़ी हुई थी ना रेजिस्टिविटी भी, ठीक है। अब जो करोगे न्यू है, थर्ड टर्म है कंडक्टेंस, यूनिट्स लिख लिया, तुषार लिख ली ना यूनिट्स, ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर, और क्या हो सकती है इन टर्म्स ऑफ साइमन, क्या हो जाएगा साइमन इनवर्स सेंटीमीटर और साइमन इनवर्स मीटर, यूनिट्स बहुत अलग अलग पॉसिबल हैं। एस इनवर्स है तो ओम, साइमन इनवर्स वही नहीं ऊपर लिखा उसे, एस इनवर्स है ओम, ठीक है। ये कभी किसी क्वेश्चन में ओम लिखा होगा, किसी में साइमन लिखा होगा, हाँ 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 सेम है सेम है। जैसे ओम ओ एच एम भी लिखा होगा, ओम वो सिंबल भी है, ठीक है। ठीक है अच्छा थर्ड लिखो डेफिनेशन की, सेकेंड लास्ट, सेम डेफिनेशंस हैं, आगे इसके ऑपोजिट कर दो। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या, रेजिस्टेंस याद है वो थी अब्स्ट्रैक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर, ये कंडक्टेंस क्या होगा द ईज विद विच चार्ज कैन फ्लो, वो क्या होगा कंडक्टेंस लिखो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड मे बी डिफाइंड एज द ईज विद विच इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। सो जी होगा 1/r, इसकी यूनिट्स बोलो, क्या यूनिट्स होंगी इसकी, हाँ जी इसकी यूनिट्स हो जाएंगी ओम इनवर्स और साइमन, ठीक है। सेम है कंडक्टिविटी, सेम डेफिनेशन, Conductivity of electrolyte solution is defined as the conductance of the solution which is 1 centimeter long and has area of cross section 1 centimeter square. Same diagram बनानी है, बिल्कुल डिटो, बस यहाँ पे resistivity लिखा था वहाँ पे conductivity लिख देना, same diagram वही जो भी बनाई थी। कापा, इसका नाम है कापा, सिंबल का के ई है ये, ठीक है, ऑफिशियल नेम इज कापा, ठीक है। कापा क्या हुआ, कापा इज 1/ अच्छा कापा इज 1/ रो, रो क्या लिखा था आपने 1/r इंटू एल बाय ए, ठीक है, कापा इज 1/ रो एल बाय ए, कापा इज इक्वल टू व्हाट इज 1/r, 1/r इज जी कंडक्टेंस एंड एल बाय ए इज कुछ तो बोलो, एल बाय ए इज सेल कॉन्स्टेंट। कंडक्टेंस की यूनिट क्या लिखी है, ओम इनवर्स, सेल कॉन्स्टेंट इज मीटर इनवर्स, सो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, इसकी यूनिट्स हो जाएंगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। हाँ जी डायग्राम जरूर बना लेना इसके,
तो फॉर्मूले कितने लिखे हैं इसके? लिखा मैंने, ये लिखा है अभी। अच्छा ओके, मैंने तू मार्क्स काउंट करके देखे कितने बन रहे हैं। न्यूमेरिकल से इतने? एमसीक्यू क्या गलत कर दिया तूने? गलत क्या करा? अच्छा एक डेफिनेशन रहेगी, रुक जाओ। हाँ लास्ट है फिर कंप्लीट हो जाएगा। लिखो लास्ट, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस ये नहीं, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। सिंबल इज, ये सिंबल देखे ना अभी पहले, इट इज लैम्डा, लैम्डा एम। हाँ ये कैपिटल लैम्डा है, आप जो अभी तक पढ़ रहे थे वो स्मॉल लैम्डा था। हाँ ठीक है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी भी डेफिनेशन देख लो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या किसे बोल रहे हैं? कप्पा ऑफ वन मोलर इलेक्ट्रोलाइट, मींस वन मोल इलेक्ट्रोलाइट की कप्पा को क्या बोलते हैं? नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और एक और डेफिनेशन है इसकी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन मोल इलेक्ट्रोलाइट। सो मैं इसे स्टैंडर्ड मान के चलूंगा, इसको कंडक्टेंस ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, वेयर एम इज मोलैरिटी। वो लिख लेना, वेयर एम इज मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके यूनिट्स यूनिट्स कैसे इसे इसके ड्राइव करते हैं, इनफैक्ट यूनिट्स मैंने याद करवाओ, यूनिट्स ऑफ लैम्डा एम। यूनिट्स ऑफ लैम्डा एम क्या होंगे बच्चे? इट इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ कापा बाय यूनिट्स ऑफ एम। ठीक है, हाँ मोल पर लीटर। ठीक है, कापा के क्या यूनिट्स होते हैं अभी लिखे हैं आपने? कापा इज ओम, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, याद है? ठीक है, अब मोलैरिटी को क्या लिखूं? मोल तो ठीक है पर लीटर तो स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं ना होते वॉल्यूम के, वॉल्यूम के स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना, वैसे भी ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर रहा था, मीटर क्यूब। और इसके यूनिट्स क्या हो गए? ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपको ना मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, इसका फर्क कहाँ से पता चलेगा? यूनिट से ही पता चलेगा, वो याद रखने, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और बाकी यूनिट्स क्या हो सकते हैं?
इट कैन बी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ठीक है, या फिर साइमन में देखो, साइमन क्या होंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ठीक है, मीटर वाले को, ये कुछ यूनिट्स हैं। धन्यवाद। यूनिट्स पे स्पेसिफिक फोकस रहना, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। ये कौन से, चलो कैपिटल एम कर दूँ, ये मोलैरिटी, ठीक है। एक मिनट, ओहो अगर इससे करेंगे ये पूरा बंद हो जाना, नोटेड। वैसे जहाँ तक मुझे याद है ना, मैंने आपको बोला था टेस्ट वेडनेसडे को, नहीं बोला था बोल किसी को याद है?